हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पर अवेलेबल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें हम रैंडमली चूज़ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है, साथ ही साथ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। रेफर्स टू द सैम्पलिंग मैथड दैट डू नॉट हैव रैंडम सैम्पलिंग एट ए स्टेज ऑफ सैम्पल सेलेक्शन। क्या हुआ कि जब भी आप सैम्पल सेलेक्शन कर रहे होते हैं तो किसी भी स्टेज पर आप क्या नहीं करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते हैं। ऐसे ही सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई व्हाट प्रोबेबिलिटी ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सैम्पल। हम जो भी सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, हम उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उसमें जो उसका क्राइटेरिया है हम उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला है द टर्म नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो यूज फॉर द सेम। इसी के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। दिस सैम्पलिंग इज़ बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। ये जो हमारी सैम्पलिंग है वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है, जजमेंट ऑफ द रिसर्चर के, कि जो रिसर्चर है हमारा वो किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, वो क्या अपना जजमेंट रखने वाला है। ठीक है, द गाइडिंग फैक्टर्स इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूनिट्स। इसमें जो गाइडिंग फैक्टर होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो क्या होता है कि जो सैम्पल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उनकी अवेलेबिलिटी पर बेस्ड होता है हमारा पूरा मेथड्स। ठीक है, द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर एंड हिज हर कन्वीनियंस इन कैरिंग आउट आ सर्वे। इस पूरी रिसर्च में हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो पूरी रिसर्च होती है वो दो तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। पहली चीज़ कि सैम्पल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, दूसरा जो रिसर्चर है उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उस चीज़ पर ये पूरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिपेंडेंट होती है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई व्हाट प्रोबेबिलिटी ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ of being selected for the sample, these samples are known as non-probability sampling. इसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है कि जो samples हैं वो probability के according लिए जाएं या उनका कोई एक set pattern हो। ठीक है, तो इस तरीके की sampling को हम क्या बोलते हैं, non-probability sampling। ठीक है, आगे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यूज्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर क्लासिफाइड इनटू। अलग अलग टेक्निक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स को करने में की जाती हैं, उन्हीं टेक्निक्स के बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं, इंसिडेंटल सैम्पलिंग में, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग में। ठीक है, तो चार तरीके के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, पहला इंसिडेंटल, दूसरा कोटा, तीसरा पर्पसिव और चौथा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आ जाता है हमारा इंसिडेंटल सैम्पलिंग। द टर्म इंसिडेंटल सैम्पल ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैम्पल और कन्वीनियंस सैम्पल इज अप्लाइड टू सैम्पल दैट हैव बीन ड्रॉन बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट। इसमें आपको याद रखना, इंसिडेंटल सैम्पल, एक्सीडेंटल सैम्पल या कन्वीनियंस सैम्पल, तीनों का मतलब एक ही है। सबसे चीज़ अच्छी ये है कि आप कन्वीनियंस से इसको समझ सकते हैं। कन्वीनियंस का मतलब क्या हुआ कि जो काम करने में रिसर्चर को ज़्यादा आराम रहे, वही हो गई हमारी कन्वीनियंट सैम्पलिंग। और इसी सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। इसमें क्या होता है, जो हमारे यूनिट्स होती हैं, जो हमारी जिस पर हम रिसर्च करने वाले हैं, जो हमारा सैम्पल है, उस सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए हम अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं, यानी हम उसको आसानी से जहां हमें वो मिल जाए वही हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी मूवी का रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा कन्वीनियंट वे क्या रहेगा कि आप किसी सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो जाइए और वहाँ पर जा करके आप सैम्पल्स को कलेक्ट कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही क्या होती है, इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। आपने रैंडमली किसी को भी पकड़ लिया, यहाँ पर रैंडमली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रैंडम सेलेक्शन कर रहे हैं। रैंडमली का मतलब हुआ आपने किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे सैंपल ले लिया, यानी कैसा मेथड हुआ, ये कन्वीनियंस मेथड हुआ, और इसीलिए इसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या इंसिडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द लिमिटेशन दैट दो दे हैव डिफाइंड पॉपुलेशन बट नो रैंडमाइजेशन हैज़ एक्चुअली बीन डन।
इसमें क्या होता है, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इनकी एक पॉपुलेशन होती है, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी तरीके के रैंडम सेलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू अराइव एट जनरलाइज्ड कंक्लूजन इन सच केस विल बी एरेनियस एंड मिसलीडिंग। इसलिए इस तरीके की जब भी हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो इसमें हमेशा एक एरर होने का, एक मिसलीड होने का चांस बना रहता है, ठीक है। लेकिन इस मेथड की एक मेरिट भी है, वो क्या है, द मेरिट ऑफ दिस प्रोसीजर आर मेनली द कन्वीनियंस ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट्स, द ईज ऑफ टेस्टिंग एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा कलेक्टेड। इसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये होती है कि इसमें एक तो कन्वीनियंटली आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है, आप उस डेटा को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और अपनी पूरी रिसर्च को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी कन्वीनियंस, यानी जो रिसर्चर है हमारी, उसकी कन्वीनियंस ही मेन मैटर होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपल इज अनदर टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल विच इज़ मोस्ट ऑफन यूज इन सर्वे रिसर्च व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या हुआ, कोटा सैंपलिंग भी एक तरीके की नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसका मेजरली इस्तेमाल सर्वेज में किया जाता है, जब हम सर्वे टाइप की रिसर्च करते हैं, सर्वे करवाते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन हम पॉपुलेशन को लिस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमने क्या किया, कोटा सैंपलिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट विद इन ईच स्ट्रैटम ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रेदर देन ऑन कैलकुलेबल चांस ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट बींग इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसमें हमने क्या किया, एक कोटा बना दिया और उस कोटे के आधार पर हमने सेलेक्शन कर लिया। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने स्ट्राटा में बनाया था, हमने क्या किया था, एरिया को हमने स्ट्राटाज में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही हमने क्या किया, कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने अलग अलग एरियाज में बांट दिया और हमने उनमें से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को चूज कर लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ कोटा सैम्पलिंग आर इट बींग लेस एक्सपेंसिव, कन्वीनियंट एंड मोर सुटेबल इन केस ऑफ मिसिंग और इनकम्प्लीट सैम्पलिंग फ्रेम्स। इसमें ये क्या होती है, पहली चीज़, ये लेस एक्सपेंसिव होती है, कन्वीनियंट होती है और सुटेबल होती है उन केसेस में जहाँ पर इनकम्प्लीट सैम्पलिंग फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर यह हमें बहुत अच्छे तरीके से डेटा प्रोवाइड कर देती है और हम अच्छे से अपनी रिसर्च कर पाते हैं। अगला है हमारा पर्पजिव सैंपल। अब पर्पजिव सैंपल इज ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैंपल। दिस टाइप ऑफ सैंपल इज चूजन बिकॉज देयर आर गुड रीजन्स टू बिलीव दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल पॉपुलेशन। द रिसर्चर सेलेक्ट्स अ सैंपल बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द ग्रुप टू बी सैंपल्ड। पर्पजिव सैंपलिंग में क्या होता है, हम एक ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं, हम एक ऐसा सैंपल लेना चाह रहे हैं जो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हो। मान लीजिए आप पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की रिसर्च करना चाहते हैं जिनकी आंखें नीली हैं या जिनकी आंखें हरी हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या चाहिए, आपको कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस चीज़ को फुलफिल करता हो। तब उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो इस तरीके का हो, ठीक है। और उसी के बेस पर जो आपने सैम्पलिंग पे रिसर्च जो भी आप करना चाहते हैं वो उस पर करेंगे और फिर उसको आप जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है पर्पजिव सैंपल में। पर्पजिव सैंपल डिफर्स फ्रॉम कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग जो है वो एक जैसी लग रही होगी आपको, लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम अपनी कन्वीनियंस को ज़्यादा वो देते हैं, जबकि पर्पजिव सैम्पल में हम क्या देखते हैं, इसमें हम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर चीज़ों को चूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दैट द रिसर्चर यूजेस एक्सपीरियंस एंड प्रायर नॉलेज टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल रेदर देन सेलेक्टिंग दोज हु हैपेंस टू बी अवेलेबल, यानी कि जो कन्वीनियंट है, ठीक है। इट इज़ क्लियर क्राइटेरिया विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिस्क्राइबिंग पर्पजिव एंड डिफेंडिंग पर्पजिव सैंपल। यानी एक क्लियर क्राइटेरिया दे देता है हमको, यानी पर्पजिव सैम्पलिंग में हम अपनी प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पर जो हमारा सैंपल होता है उसको कलेक्ट करते हैं और यही जो हमारी पर्पजिव सैंपल है उसको डिफेंड भी करता है, ठीक है। अगला है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ फ्यू पीपल हु कैन आइडेंटिफाई स्टिल अदर्स हु माइट बी गुड पार्टिसिपेंट फॉर आर स्टडी। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन वी डू नॉट हैव एसेस टू सफिशिएंट पीपल विद द करेक्टरिस्टिक्स वी आर सीकिंग। लाइक इन अ सिचुएशन व्हेन पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स आर स्कैटर्ड और नॉट फाउंड इन अ क्लस्टर। फॉर सच पॉपुलेशंस दैट आर नॉट वेल डीलिमिटेड नॉर वेल इन्यूमरेटेड, फॉर एग्जाम्पल द होमलेस।
तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग में सबसे पहले हम एक व्यक्ति को चूज़ करते हैं जो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। उस व्यक्ति से हम सारी जानकारी लेने के बाद उसी व्यक्ति से हम इस बारे में भी पूछते हैं कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसको वो जानता हो जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करता हो। फिर वो हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, फिर हम उस दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम होती है जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई ख़ास बीमारी है, कोई जेनेटिक बीमारी है और वो कुछ लोगों को ही है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो डॉक्टर के पास जाते होंगे। तो आपने क्या किया, या तो आपने उस डॉक्टर को पकड़ लिया, डॉक्टर से पकड़ करके आपने उसके सारे पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन ली और फिर एक एक करके आप उसके पास गए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर भी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से एक पेशेंट को लेंगे, उस पेशेंट के ज़रिए आप बाकी पेशेंट्स को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यही होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि एक बॉल आपने पकड़ी और उसको रोल करते हुए आप दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। द ड्रॉबैक इज़ दैट यू गेट नो एग्जैक्ट आइडिया ऑफ फैक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओपिनियंस इन द टारगेट पॉपुलेशन। इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, जो फैक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चीज़ का वो आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमेशा आपको कम ज़्यादा, क्योंकि इसके पेशेंट, मान लीजिए अगर आप पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं तो पेशेंट बहुत कम है, तो उनको ढूंढना और ढूंढने के बाद एग्जैक्ट डेटा वो देंगे कि नहीं देंगे, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए स्नोबॉल सैम्पलिंग का ड्रॉबैक क्या है कि बहुत ही एग्जैक्ट आइडियाज़ हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी कन्वीनियंट व्हेन द सैम्पल्स टू बी सेलेक्टेड इज स्मॉल एंड द रिसर्चर वॉन्ट टू गेट सम आइडिया ऑफ द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंटली हम डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये तब हेल्प ज़्यादा करती है जब हमारा डेटा बहुत ही स्मॉल हो। जब हम बड़ा डेटा लेना चाहते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही उपयोग करना पड़ेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की दो करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, पहली ये कन्वीनियंट होती है, दूसरी ये बहुत ही जल्दी यानी कि शॉर्ट टाइम में चीज़ों को कवर कर देती है, ठीक है। इन सच केसेस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्चर इज टू गेन इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम बाय सेलेक्टिंग ओनली दोज पर्सन्स हु कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। इसलिए जो भी रिसर्चर होता है वो प्रॉब्लम को समझने के लिए उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सके और उसका काम भी आसान हो जाए और जल्दी से जल्दी उसका काम भी हो जाए, ठीक है। However, the following are some inherent limitations of non-probability sampling methods. अब इसकी कुछ जो है limitations हैं। पहला, no statistical theory has been devised to measure the reliability of result derived through purposive or other non-random samples. Hence, no confidence can be placed in the data obtained from such samples and results cannot be generalized for the entire population. पहली चीज कि जो भी थ्योरी है, ये जो भी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड हैं, इनका जो रिज़ल्ट है हम उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसका सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, दूसरा कन्वीनियंट है, तीसरा इन्होंने टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी निपटा दिया है इसको, ठीक है। इसीलिए हमें इस पर पूरी तरीके से कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आता है, साथ ही साथ हम इसको पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है द सेलेक्टिव सैम्पलिंग बेस्ड ऑन कन्वीनियंस अफेक्ट द वेरियंस विद इन द ग्रुप एज वेल एज बिटवीन द ग्रुप्स। फर्दर देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकल मेथड टू डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ सैम्पलिंग एरर, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हम कन्वीनियंटली इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो वो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी रिसर्च को चेंज कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जो पूरा हमारा मेथड है इसमें हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं, कन्वीनियंटली मेथड को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर तो आएगी ही। अब जो एरर आई है हम उसको स्टैटिस्टिकली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है कि वो जो सैम्पलिंग एरर आई है वो उसकी क्या डिग्री है, मतलब वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है, समटाइम्स सच सैम्पल्स आर बेस्ड ऑन एन ऑब्सोलेट फ्रेम विच डज नॉट एडिक्वेटली कवर द पॉपुलेशन। और कभी कभी क्या होता है कि जो हम फ्रेम बना देते हैं उस फ्रेम में पॉपुलेशन सेट ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमने अपना कन्वीनियंस तो देख लिया, हमने अपनी सुविधा देख ली, लेकिन हम फ्रेम को सही से सेट करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर हम सही से सेट कर देंगे तो हमको उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्सोलेट फ्रेम बना देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से कवर नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की।
तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने चार मेथड्स पर बात की है, ठीक है, तो चारों ही मेथड्स काफ़ी ईजी थे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।